तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ज्योति के किचन में। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई है एकदम खस्ता करारी और बहुत सारी परतों वाली निमकी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बन के रेडी होती फ्रेंड्स ये। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। तो आज हम बनाएंगे निमकी। तो निमकी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मैदा, इसको मैंने छान लिया है छान के लिए, क्योंकि जो इसमें गुठलियाँ होगी वो अच्छे से टूट जाती है छानने से। तो मैंने इसको छान के ही लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिया है मैंने एक चम्मच जीरा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अजवाइन लेंगे, हाथों के बीच में क्रश करके वो डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आता है इससे अजवाइन का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एक पिंच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप इसकी जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, तो आधा चम्मच नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैदा के साथ। और अब इसमें बीच में एक छोटा सा ऐसे होल करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन, मतलब कि यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। अब इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मोइन हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मैदे के अंदर अच्छे से चारों तरफ ऐसे लगा लेंगे, जिससे कि मैदे के हर एक कोने के अंदर ये मोइन हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे क्या होगा, जो हमारी निमकी है बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होगी। तो इसको अच्छे से इसके अंदर सेट कर ले। तो मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ये देखने के लिए। हम क्या करेंगे, इस आटे को ऐसे ऐसे एक मुट्ठी में बंद करेंगे। तो देखिए मुट्ठी हमारी बन रही है, इसका मतलब हमारा मोइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। डो हम थोड़ा सा टाइट ही लगाएंगे, तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक डो लगा लेते हैं अच्छे से। तो देखिए डो हमारा अच्छे से यहाँ पे लग गया है। और अभी हम इसको यहाँ पे सेट होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। इस डो को लगाने के लिए मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है, तो आधे घंटे के लिए हम इसको 10 मिनट के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम तैयार करेंगे साटा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच मैदा। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं 2 से 3 चम्मच घी, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साटा बना के हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा साटा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए आटे को रखे हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गया है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। इसको एक बार हल्के से हाथों से मसल के थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे रोल कर लेंगे थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे और अब इसमें से इसको ऐसे एक लोई बनाएंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे एक पतली सी रोटी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पतली सी रोटी बना ली है। देखिए इतनी पतली रोटी हमें रखनी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे साटा, तो चारों तरफ अच्छे से साटा लगा देंगे इसमें, अच्छे से फैलाते हुए पूरी। पूरी चपाती पे मैंने साटा लगा लिया है। अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल टाइट अच्छे से पकड़ते हुए रोल कर देंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, टाइट से इसको अच्छे से रोल करेंगे। बिल्कुल टाइटली हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इसको और लास्ट तक इसको ऐसे ही टाइटली हम फोल्ड कर लेंगे। और लास्ट में आके हम इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका देंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक रोल बना लेंगे अपना। और अब हम इसको यहाँ पे छोटा छोटा कट कर लेंगे, इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लीजिए। देखिए हमने इनको ऐसे कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से एक ऐसे लेंगे रोल और उसको हल्के से ऐसे प्रेस करते हुए एक, अब इसमें से एक लोई लेंगे, उसको ऐसे लेंगे और उसको भी हम यहाँ पे बेल लेते हैं। देखिए इस तरीके से बेल लेंगे इसको भी थोड़ा सा, हम जितना भी अपने साइज में आपको बेलना है अपने साइज में इसको बेल लीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा पतला ही रखेंगे इसको और वापस से इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे। साटा लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से साटा लगाइए और इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद वापस से इसके ऊपर साटा लगाएंगे और इसको वापस से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे बेल लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसको वापस से बेल लेंगे
और देखिए इस तरीके से सारी निमकी अपनी बना के पहले हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से निमकी को बेलने के बाद हम एक फोक की हेल्प से इसके अंदर होल कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करके ही करें जिससे कि ये फूले ना। इस तरीके से हम इनके अंदर ऐसे फोक से होल कर देंगे। तो सारी निमकी मैंने यहाँ पे रेडी कर लेती है। चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसमें हम अभी ये निमकी डाल देंगे और लो फ्लेम पे इनको अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई करेंगे जिससे कि हमारी निमकी क्रिस्पी बने और लो फ्लेम पे अच्छे से सिक जाए। तो चलिए इनको छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे सिकने के लिए। तो देखिए जैसे ये सिकनी शुरू हो गई है इसकी परतें खुलनी यहाँ पे शुरू हो गई है। देखिए इस तरीके से अभी एक साइड से ये सिक गई है हल्की सी। अब हम इसको यहाँ पे पलट लेंगे और देखिए कितनी परतदार हमारी निमकी बनके रेडी हो गई है यहाँ पे। तो अभी हम इनको पलट लेंगे, दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको सेक लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ये सिक गई है, दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनका। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बनके रेडी होगी हमारी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और परतदार निमकी। तो आप इनको जरूर ट्राई करें, शाम की चाय के साथ इंजॉय करिए। तो रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।